ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। 17वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर प्रशासन के स्तर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सत्र 23 को 11 बजे से प्रारंभ होकर 27 नवंबर तक चलेगा। रविवार को विधि व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा के लिए डीएम रवि एवं एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने विधानमंडल परिसर में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी अधिकारियों को प्रतिनियुक्त स्थल पर ससमय हाजिर होने एवं दायित्व की जवाबदेही से निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। आकर पढ़ाई से खास बातचीत के दौरान डीएम रवि कुमार ने बताया कि सिर्फ पास होल्डर को ही परिसर में प्रवेश करने का अनुमति रहेगा। परिसर में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक मध्य विनय तिवारी संपूर्ण विधि व्यवस्था से वरीय प्रभार में रहेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी सदर नितिन कुमार सिंह ने डीएम के आदेश के बाद विधानमंडल परिसर के आसपास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया था है। निषेध क्षेत्र के परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमा होने, जुलूस, धरना, घेराव, किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगेगी। लोगों को क्लियर होना चाहिए कि पहले जो रूटीन सत्र होते थे, रेगुलर सत्र होते थे, उससे थोड़ा अलग है। और जब विधान मंडल का गठन होता है उसके लिए ये सत्र बुलाया गया। तो कल बहुत सारे जो माननीय आएंगे, नव निर्वाचित होंगे, वैसा हो सकता है कि पहली बार यहाँ पर आ रहा हो और उनके पास कोई यहाँ विधानसभा का दिया हुआ आई कार्ड नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही आपको शालीनतापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आज माननीय प्रोटेम स्पीकर महोदय की अध्यक्षता में बैठक की गई है और निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा सभी जगह पर दंडाधिकारी और पुलिस बल प्रतिनियुक्त किए गए। आप सभी का यह कार्य होगा कि जो भी यहाँ पर माननीय सदस्य यहाँ पधारते हैं तो उनको शालीनतापूर्वक यहाँ पर जो पहुँचने का रास्ता है उसके बारे में बताना होगा। और साथ ही साथ आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली वाहनों के बारे में और अंदर व्यक्तियों के प्रवेश के बारे में जो निर्देश अभी दिया गया है उसका पालन करना होगा। यहाँ पर काम बहुत ही संजीदगी से करने की आवश्यकता है। बहुत ही सही और गलत में बहुत ही थिन लाइन होता है, बहुत पतली रेखा होगी, आपको वही काम शुरू हो रहा है। क्या तैयारियां हैं? कल जो सत्र प्रारंभ हो रहा है उसके लिए विधानसभा और उसके आसपास के इलाकों में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जो पूरी स्थिति पर लगातार निगरानी रखेंगे और जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ साथ जो विभिन्न विभाग के पदाधिकारी हैं उनके जो दायित्व हैं उसके बारे में भी सभी को ब्रीफिंग कर दिया गया है। सभी पदाधिकारी जो है बिल्कुल तैयार अवस्था में कार्य करेंगे। कोरोना काल में चूँकि यहाँ पर जो भी प्रवेश करेंगे लोग उसके लिए सिविल सर्जन की टीम के द्वारा वहाँ पर लगातार जो टेम्परेचर जांच की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जाएगा ताकि कोई ऐसे व्यक्ति प्रवेश नहीं करें। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, प्रोटोकॉल के तहत कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। मोबाइल चलाने को लेकर भी कोई निर्देश दिया? जो भी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी हैं, पुलिस बल हैं, उन सभी को निर्देश दिया गया है कि मोबाइल के प्रयोग से अनावश्यक बचें और अगर ड्यूटी पर आवश्यक हो तभी उसका उपयोग करें और अनावश्यक उससे अगर ध्यान भंग होता है तो उसका उपयोग न करें और उससे बचते हुए अपने कार्य पर ध्यान दें।